हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मेरा नाम है दिलीप मेरे चैनल का नाम है ओनली सॉल्यूशन फ्रेंड्स मैं आपको आज बताऊं बताने जा रहा हूं कि किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप पर आ, बायोस की सेटिंग क्या होती है और ये सेटिंग कैसे आती है और कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए बायोस की सेटिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस सेटिंग में इसको इनेबल करे बिना कंप्यूटर uh, को जब हम फॉर्मेट करते हैं या सीडी रोम से करेंगे चाहे पेन ड्राइव से करेंगे तो बूटेबल का जो ऑप्शन आता है बूट करता है वो ऑप्शन नहीं आता है तो वो ऑप्शन यहाँ से कंप्यूटर uh, जब हम परचेस करते हैं तो वो डिसेबल करके हमको दे देते हैं इसलिए देते हैं वो डिसेबल uh, करके ताकि हम घर पर उसको फॉर्मेट नहीं कर सके और मजबूरन हमको ये कंप्यूटर या लैपटॉप जो है शॉप पर ले जाना पड़ता है वो तीन से, से चार सौ फॉर्मेट कर करने के ले लेते हैं इसके बाद होता है क्या है वही पायरेटेड विंडोज़ डाल के देते हैं और मज़ा बिल्कुल नहीं आता है मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले जो सेटिंग कैसे आती है जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करने के बाद मेरा है ये एच का कंप्यूटर है रीस्टार्ट करने के बाद आप देखिए एफ़ टेन को दबाना है जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है उसी वक्त एफ़ टेन को दबाइए किसी किसी कंप्यूटर में डिलीट भी वर्क करता है और किसी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर में F1 भी वर्क करता है तो आपको करना क्या है कि जब आप कंप्यूटर ये स्टार्ट करेंगे तो ये की को प्रेस करके रखिए रेगुलर और प्रेस करने के बाद ये मेनू बायस की सेटिंग जो जिसको बोला जाता है ये बायस की सेटिंग आ जाएगी अब करना क्या होता है देखिए आप मैं बता रहा हूँ आपको कैमरा पास ले जाकर कि फर्स्ट में मैन है लिखा है और मैन में जो है यहाँ पर टाइम सिस्टम टाइम आ रहा है अभी का टाइम आ रहा है सिस्टम डेट आ रही है इसमें इसके बाद इसमें ये बायस की सेटिंग खोलने पर होता है क्या है कि अब माउस या जो टच पैड होता है इसका ये वर्क नहीं करता है और माउस भी वर्क नहीं करता है तो यहाँ पर आपको ये जो की दिख रही है एरो की इसी से आपको काम करना होता है और एंटर से केवल तो करना क्या होता है मैं बताता हूँ कि ये मेन सेटिंग है मेन सेटिंग में आ रहा है टाइम टाइम और नीचे आ रहा है ये डेट तो टाइम और डेट के बाद आप देखिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी का दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी में ज़्यादा मैं चेंजेस नहीं करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड यहाँ पर लिखा है क्लियर अगर यहाँ पर हम इसको क्लियर लिखा है और यहाँ पर अगर हम कोई पासवर्ड डालते रहें अपने कोई भी पासवर्ड तो जब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट या जब भी हम कंप्यूटर चालू करेंगे तो वो पासवर्ड हमसे पूछेगा वही पासवर्ड हम डालने के बाद ये सिस्टम खुलेगा अदरवाइज बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं खुलेगा तीसरा है उसमें ऑप्शन सिस्टम कॉन्फ्रिगेशन सिस्टम कॉन्फ्रिगेशन यही एक कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसी इसी में बाईस की सेटिंग और हमें बूट ऑप्शन इसी में मिलता है हमको करना क्या होता है कि देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ लैंग्वेज लैंग्वेज में क्या है अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं क्लिक तो होगा नहीं इसमें इंटर प्रेस करना पड़ेगा तो क्या ऑप्शन आते हैं आ, क्या क्या लैंग्वेज आ रही है इसमें इंग्लिश आ रही है फ्रांसिस आ रही है और रशियन है और एक चाइनीज और एक जापानीज लैंग्वेज है तो फ्रेंड्स करना क्या होगा हमें लैंग्वेज को छोड़ते हैं लैंग्वेज में बोल रहा है ये इंटर किया मैंने लैंग्वेज वापस इंग्लिश सिलेक्ट किया अब हम जाते हैं यहाँ पर फैन ऑलवेज ऑन फैन ऑलवेज ऑन का मतलब ये होता है कि प्रोसेसर के पीछे जो पंखा लगा रहता है इंटरनल मदरबोर्ड के साथ अटैच जो है उसको आप चाहे तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं चाहे इनेबल कर सकते हैं यदि आप डिसेबल करेंगे तो होगा ये कि वो फ़ैन नहीं चलेगा और प्रोसेसर गर्म होगा और आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है हम अब आगे जाते हैं एक्शन की मोड इसको भी हमने इनेबल रखा है अगर एक्शन की मोड अगर डिसेबल करेंगे तो आपका जो ये की है ये काम करना बंद कर देगा और आप सिर्फ माउस से या फिर अदर यूएसबी एक्सटर्नल कीपैड लगाना पड़ेगा और ये कीपैड काम नहीं करेगा बूट रिमेनिंग टाइम बूट रिमेन सॉरी बैटरी रिमेनिंग टाइम बैटरी रिमेनिंग टाइम को इसमें पहले से डिसेबल है मैं भी इसको डिसेबल ही रखूंगा इसको अगर हम इनेबल करते हैं कर देते हैं तो होगा ये कि जब बैटरी लो होगी तो ये यह शट डाउन हो जाता है जब बैटरी आपकी टेन परसेंट के आसपास रह रहती है तो लैपटॉप ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है अब हम इसको डिसेबल इसलिए रखते हैं कि जब हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और बैटरी दस परसेंट के आसपास बची है तो वो काम भी हम ना पूरा हो जाए ऐसा ना हो कि वो सट डाउन बीच में हो जाए और फिर एक मिनट के काम के लिए हमको फिर से बैटरी चार्ज करना पड़े अब लास्ट में है सबसे बड़ा ये मेन ऑप्शन बूट ऑप्शन बूट ऑप्शन के ऊपर हम जब हम क्लिक करते हैं या मतलब सॉरी इंटर का बदन दबाएंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे एक बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें लिखा है कि आ, पोस्ट हॉट की डिले सीडी रोम का एक बोर्ड ऑप्शन है सीडी रोम सीडी रोम का मतलब यह होता है कि जो सीडी आजकल तो लैपटॉप और कंप्यूटर में सीडी जो है आना सीडी प्लेयर जो आना बंद हो गए हैं और पुराने या कुछ लैपटॉप ऐसे भी अभी मॉडल आ रहे हैं डेस्कटॉप है डेस्कटॉप में तो प्लेयर मिल ही जाता है और उसमें सीडी प्लेयर जैसे मेरे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पहले क्या करते थे कि इसमें विंडोज़ सेवन या विंडोज़ टेन की डीवीडी डालते के डाल के यहाँ से जब हम इसको बंद कर देते हैं और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बूट जो होता था है, इसमें बूट जो होता है सबसे पहले वो सीडी ड्राइव से ही होता है सीडी ड्राइव मतलब वो फॉर्मेट के ऑप्शन वहाँ पर आ जाते हैं विंडोज़ इंस्टॉल होने के ऑप्शन आ जाते हैं अब यू आजकल जो है सभी जगह यू बूट किया जाता है और यू एस बी बूट से ही कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट किया जाता है तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की तारीख़ में बूट यू एस बी यूज़ होता है 99 नाइन के हंड्रेड परसेंट वही यूज होता है नेटवर्क बूट नेटवर्क बूट की बात करें तो ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप देखिएगा कि जब हम आप परचेस करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर या विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की साइट से तो वो सीधे नेट के थ्रू कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगता है उसी को नेटवर्क बोट बोला जाता है और उसी से वहाँ से वो लोग बैठे बैठे इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं तो ये है कंपनी ने इसमें पहले से इसको डिसेबल रखा है मैंने मैं भी इसको डिसेबल ही रखूँगा लेगेंसी सपोर्ट लेगेंसी सपोर्ट का मतलब होता है लेगेंसी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल कोई भी हार्डवेयर हम इस लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो जैसे प्रिंटर भी कोई अटैच करेंगे तो वो सपोर्ट करेगा नहीं अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो आप कोई भी प्रिंटर या हार्डवेयर या एक्सटर्नल कीबोर्ड या माउस या कुछ भी लगाएंगे पेन ड्राइव तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा और वो शो भी नहीं होगा इसका मतलब यही होता है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अब बूट ऑर्डर इसमें है सबसे पहला मेरा बूट ऑर्डर जो सिलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर यू वाला है ये मैंने इसलिए किया यू ऑब्लिक यू एस बी हार्ड आई डिस्क यू एस बी हार्ड डिस्क मैंने इसलिए किया हुआ है यू एस बी वाला कि कभी इसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़े तो ये सबसे पहले जैसे हम यू एस बी लगाएंगे तो वो उसको रीड करेगा अगर हम यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो अगर मैं इस ऑर्डर को चेंज करके ये लेके आऊँगा इंटरनल सी डी ड्राइव तो वो मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा तो वो बूट नहीं होगा सबसे पहले वो सी डी ड्राइव को देखिएगा सी डी ड्राइव नहीं मिले मैं अगर बूट सी डी नहीं मिलेगी तो कंप्यूटर नॉर्मल वे में स्टार्ट हो जाएगा ये समझिए फ्रेंड्स इसलिए मैंने रखा है सबसे पहले बूट ऑर्डर की बात है और ये बूट ऑर्डर में मैंने रखा है इसको सबसे पहले यू या यू हार्ड डिस्क या यू एस बी जैसे यू हार्ड डिस्क की बात करें तो आजकल वन टी बी टू टी की जो यू हार्ड डिस्क आती है यू केबल वाली उसकी बात हो रही है और यू एस बी डिस्टिक की बात करें तो ये पेन ड्राइव की बात हो रही है पेन ड्राइव लगाते हैं और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे तो ये बूट हो जाएगा अब हम बात कर रहे हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यू एस बी सी डी सी डी ड्राइव रोम नेटवर्क एडाप्टर यही है अब यहाँ पर बात करते हैं लेकिन सिर्फ बूट ऑर्डर नोटबुक हार्ड ड्राइव ये इसलिए इसका मतलब आप समझिए फर्स्ट वाले में लिखिए देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट मारे में लिखा है U, U, e F I बुट ऑर्डर इसका मतलब होता है ये कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए और नीचे के जो बूट ऑर्डर होते हैं इसका मतलब मैं आपको बहुत ही आ, किसी भी आ, बहुत कम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है इस इस लेगेंसी बूट ऑर्डर का मतलब क्या है जब हम कंप्यूटर को फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसमें फर्स्ट में सेलेक्ट है नोटबुक हार्ड ड्राइव हार्ड ड्राइव का मतलब होता है कि जो लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच हार्ड ड्राइव है वो सबसे पहले बूट होगी जब हम चालू करेंगे इसको तो जब बूट होगी तो बूट होने का मतलब होता है कि उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड होकर स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर देखिए फ्रेंड्स समझिएगा इस चीज़ को अगर इंटरनल सीडी ड्राइव रोम करेंगे तो अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कोई है तो वो सीधे सीधे रोम से ही स्टार्ट हो जाएगा यू स्टिक ये तीसरे नंबर पर देखिए यू स्टिक या की यू हार्ड ड्राइव डिस्क मान लो आपके पास विंडोज़ सेवन भी है और विंडोज़ टेन भी है आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडोज़ सेवन यूज़ करते हैं और यूएसबी में आप करना चाहते हैं विंडोज़ टेन तो आप चाहते हैं कि मैं एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर में दो विंडोज़ एक साथ चला लूँ सेम टाइम पर तो आपको ये ऑप्शन पर प्लीज सेलेक्ट करना होगा और इसको बोट ऑर्डर फर्स्ट में लाना होगा कहाँ पर लाना होगा और ये कैसे के, होता है ये इंटर के बटन दबाने से होता है ये इंटर का बटन दबाएंगे तो ये इसके चेंजेस हो ये चली जाएगी मैं इसलिए चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ इसके अंदर क्योंकि मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ नेटवर्क अडेप्टर के बारे में मैंने बात बताया आपको कि नेटवर्क अडेप्टर करता क्या है कि ऑनलाइन वहाँ पर बैठे बैठे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसर जब जब कोई अब इसको इसको माइक्रो इसको क्या करते हैं कि वो जो ऑफिसर है वहाँ पर कोई पायरेटेड विंडो है तो इसको वहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं वहाँ से या इसको वहाँ से बंद कर सकते हैं आपने देखा होगा कि पायरेटेड जो पहले चलाते थे तो टाइम निकलने के बाद वहाँ पर एक स्क्रीन पर मैसेज आता था ब्लैक स्क्रीन आ जाती थी और इसकी वजह से ये लोग वहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं अब मैं इसके चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर साफ लिखा है एफ़ वन हेल्प के लिए ये जो ऊपर नीचे जो एरो बताया मैंने आपको ये वाले वो एरो हैं और एफ फाइव से एफ़ सिक्स से वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे यहाँ पर बूट एडर चेंज करना है तो एफ़ फ़ाइव या एफ सिक्स रखाएँगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे एफ़ नाइन से क्या होगा सेटअप डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आपने कोई गलत सेटिंग कर दी है और आप चाहते हैं कि पुरानी कंप्यूटर की लोडेड सेटिंग हो जाए तो एफ नाइन को सिलेक्ट कीजिए हो जाएगा और स्किप ई एस सी यानी स्केप का मतलब होता है बाहर निकलना है एग्जिट और एफ़ टेन है सेव एंड एग्जिट मैं इसको स्केप करूँगा क्योंकि मैं इसमें कोई चेंजेस करना नहीं चाहता हूँ मेरा लैपटॉप ए पी बहुत बढ़िया चल रहा है फ्रेंड्स ये बायस के बारे में सेटिंग बताई मैंने आपको और किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट किया जाता है वो बूट सेटिंग के अंदर ही होता है फ्रेंड्स uh, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा